हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ मुद्दों पर बात करने वाला हूँ। वे आपके हित में है, आप सभी स्टूडेंट्स के हित में है, तो ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो जरूर करना है। बात मेरी अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन सुननी पड़ेगी आपको पूरी बात, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ SSC और रेलवेज के बारे में। उसके बाद मैं बात करूंगा जो हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई है, लेखपाल की भर्ती आई थी उसका क्या हुआ, पुलिस भर्ती आई थी उसका क्या हुआ, और तमाम तरीके की जो UP SSSC की वैकेंसीज आई थी उनका क्या हुआ या क्या होने वाला है, उन सभी पर हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SSC और रेलवेज में। रेलवेज में जैसा आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में जो लास्ट भर्ती आई थी उसमें करीब 2.5 करोड़ फॉर्म्स भरे थे, लेकिन उनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला है कि उनका क्या किया जाए। आप लोग को पता है कि 500 रुपए मांगे गए थे फीस पे, ठीक है? मतलब ये हुआ था कि यार चुनाव आने वाला है तो पैसे की कमी है तो चलो फीस ले लिया जाए, ठीक है? ये बोला गया था कि 400 रुपए वापस कर देंगे अगर पास नहीं हुए या कुछ भी हो गया, तो कब वापस करोगे वो, ठीक है? तो पहले तो बात तो ये है कि वापस करना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वापस कब होगा वो, बात ये भी है। दूसरी बात, अब वापस हो या ना हो, लेकिन हमें चाहिए क्या, रिजल्ट, पास हो फेल हो कुछ भी हो, लेकिन एक निष्कर्ष पे तो आए। ये जो बीच में अटकने वाली सिचुएशन होती है सबसे ज्यादा बुरी, सबसे गंदी सिचुएशन होती है, ठीक है? ये है रेलवेज का हाल। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें जिसके बारे में अभी किसी ने मुद्दा नहीं उठाया है, जो शिक्षक भर्ती 69,000 वाली है उसका क्या होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती को मजाक बना के रख लिया है, कभी यहां कभी वहां कभी कुछ भी, मतलब कि ये हो गया है कि मतलब स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर गए हैं वे भी, जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वे भी, इन सबको ये सरकार ना बस इतना घुमा रही है। लाखों बच्चे हैं, 69,000 तो सीट ही है, और लाखों बच्चों को बीच में फंसा दिया। पहले 40-45 हजार, फिर 60-55 में फंसाया, फिर तमाम तरीके के नए नए नियम, नए नए कानून ले आया, उस तरीके से हाई कोर्ट में लेके गए, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, डबल बेंच, सिंगल बेंच, पता नहीं। पहले तो मुझे नहीं समझ आता सिंगल बेंच डबल बेंच का मतलब क्या है। जब सिंगल बेंच का फैसला मानना ही नहीं होता है तो डबल बेंच में क्यों जाना, तो डायरेक्ट डबल बेंच का मैं फैसला नहीं मानना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही काम किया जाए, ये बीच में क्यों लेके आते हैं। ये सारी चीजें हैं समय व्यर्थ करने के लिए। फिर बात यहां पर लास्ट में ये आई, आप लोगों ने ये कहा कि चलो ठीक है, यहां पर भर्ती निकल आएगी तब हम दूसरी भर्ती कराएंगे, ठीक, चलो ठीक है। तो भर्ती आप इसको कंप्लीट क्यों नहीं करा रहे हैं, और कंप्लीट कराना भी होगा, चलो ठीक है। अब इसमें धांधली वाली बातें आई, ठीक है, धांधली वाली बातें ये हुई कि 69,000 में बहुत ढेर सारी धांधलियां हुई, वहां पे बहुत ढेर सारी स्कैम्स पकड़े गए, तो उनका क्या हुआ, कुछ निष्कर्ष निकाला आपने? 2-4 लोगों को अंदर कर दिया, बाकी सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, और लालच देने के लिए डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला खेल दिया भी जो अंग्रेजों वाला था, कि चलो ठीक है कुछ भर्तियां दे देते हैं, कुछ 10-12 हजार लोगों को हमने कह दिया कि ये सिलेक्ट हो गए हैं, वे सब के सब आराम से गए वहां पे अपना काउंसलिंग कराने लग गए। तो ये हुआ कि उनके मन में ये आ गया ना कि भाई कैसे भी करके मुझे नौकरी मिल जाए, बाकी सब गए भाड़ में, ठीक है? तो ये होने लगा, एकता नाम की चीज नहीं रह गई सबके अंदर, तो ये सारी चीजें क्या हुई, सामने आने लगी। अब मैं बात करूं लेखपाल भर्ती की, लेखपाल का नोटिफिकेशन आपने निकाला, फॉर्म भी भरवाए, 2-4 दिन 5 दिन तक फॉर्म चला था, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कहा चुनाव का समय है, चुनाव के बाद तुरंत हम भर्ती लेके आएंगे। कहां गई भी भर्ती, आज तक उसका आज तक पता नहीं चला है। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया वे क्या करेंगे बेचारे, उनका तो पैसा भी गया ना, उनका क्या करेंगे बताइए। अब उनका उन्होंने आवेदन भी कर दिया, पैसा भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब वे क्या करें, भर्ती के नाम पे कुछ नहीं, पढ़ाई भी चल रही है, कोचिंग्स में एडमिशन होने लगे। आप लोगों को पता है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले कोचिंग्स में इन्वेस्टमेंट होता है, कोचिंग वाले भी अपना बैनर वैनर छपवाते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वहां पर जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो लेखपाल के फॉर्म आने के बाद वहां पे एडमिशन लिए होंगे, उनका पैसा वहां पे गया, कि यार तैयारी करके बैठे हुए हैं अभी तक फॉर्म ही नहीं आया। तो ये सारी चीजों का क्या होगा, वो यूपी पुलिस की बात करेंगे, MP पुलिस की बात करें, या जहां भी हर स्टेट की पुलिस की बात करें, उनके साथ भी यही हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा ही हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। हर बार होता है कि चलो ठीक है अब लेके आएंगे अब लेके आएंगे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। मतलब आप ये देखो कि हमारे सामने यहाँ पर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, कौन सी चीजें नहीं आ रही हैं। ये समय है आप लोगों का कि अब आप लोग नींद से जागिए, ये जो भी दिखाया जा रहा है वे ना देखते हुए अपना दिमाग चलाना शुरू करिए। आप लोग बच्चे नहीं है, पहली बात, आप लोग बच्चे नहीं है, आप लोग अच्छे खासे वोट देने के अधिकारी हैं, आप लोग वोट देने वाले वयस्क मताधिकारी हैं,
आप लोग जब वोट देने की क्षमता रखते हैं तो आप लोग सही और गलत का भी क्षमता रखते हैं कि कौन सी चीजें सही है कौन सी चीज गलत है। आज के समय में हम सबको यही मुद्दा उठाना है, हम सबको एक होकर ये बताना है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप जो कहेंगे उसी तरीके से हम चलने लगेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग के पास खुद का भी दिमाग है, भगवान ने हमें ऐसा ऐसे देश में पैदा किया है, भारत जैसे देश में हमारा इतना प्यारा संविधान है जिसमें हमें हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमें अधिकार मिलता है, तो हम उसका यूज क्यों ना करें। मीडिया की बात करेंगे जो इसको हम लोग कहते हैं हमारा चौथा स्तंभ है, ठीक है, तो चौथा स्तंभ नहीं रह गया है, अब वो भी कह देंगे वो सरकार का ही भाग हो गया है। क्या दिखाया जाता है, मतलब अभी तक क्या होता है, कोई भी एक मुद्दा मिल गया वे सारी चीजें हम लोग उस मुद्दे पे चला रहे हैं, एक मुद्दा रहेगा दिन भर घुमा फिरा के वही चलाना है। एक भी आपको कोई भी न्यूज चैनल वाला होगा जो आपको काम की बात बता दे तो बताना। न्यूज सबसे पहली बात तो न्यूज चैनलों को बायकॉट करना पड़ेगा, आप लोग को छोड़ना पड़ेगा, सबको बोल दो कि न्यूज चैनल देखना ही बंद कर दो, उनको टीआरपी मिलना बंद हो जाए, उनको दिखाना है कि स्टूडेंट की पावर क्या है हमारे पास, हमें उनको ये बता के रहना है कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, हमारे पास कौन सी पावर है। तो ये सारी चीजें, इन सभी चीजों को हमें यहां पर करना है, हम सबको एक बार एक साथ मिलके आना है, एक मुहिम दिखानी है कि हमारे पास भी है, हम आवाज उठा सकते हैं, और एक के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैंने आप लोग जानते ही होंगे ना कि अगर कोई भी एक अकेला धीरे धीरे चिल्लाएगा तो कुछ नहीं होगा। आज समय है, सही समय है, सारे यूट्यूबर्स सारे एजुकेटर्स जितने भी हमारे पूरे यूट्यूब चैनल पे हैं सभी लोग यहाँ पर शिक्षा को लेकर एक मुहिम खड़ा किए हैं, बहुत बड़ी बात है। शिक्षा क्षेत्र में कोई भी बड़ी मुहिम नहीं खड़ा करता है जल्दी, ये हम लोगों की हम लोग का एक यूनिटी है, एक सामने आ रही है, तो यहाँ पे हम सबको यहाँ पर साथ देना चाहिए, छोटा बड़ा, ठीक है, मोटा पतला कोई भी है, कैसा भी है, छोटा चैनल है बड़ा चैनल है, सबको इस मुहिम में भाग लेना है, हर स्टूडेंट्स को इस मुहिम में भाग लेना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों तक, अपने सभी दोस्तों तक इसकी आवाज पहुंचानी है। कोई भी सरकार हो अगर कोई भी नौकरी रोक रही है, ठीक है, अब यहां पर बात केवल एसएससी और रेलवे तक नहीं रह गई है, कोई भी नौकरी है, हम यहाँ पे सेल्फिश नहीं होंगे कि नहीं केवल रेलवे वाले निकाल लिया जाए बाकी सब छोड़ दिया जाए, नहीं, कोई भी भर्ती होनी चाहिए, चाहे शिक्षक भर्ती हो, लेखपाल हो, यूपी पुलिस की हो, रेलवे की हो, एसएससी की हो, कोई भी नौकरी है, यूपी ट्रिपल एससी की कोई नौकरी है, उन सभी भर्तियों के लिए आवाज उठानी है, उन सभी सरकार के लिए आवाज उठानी है, उस सरकार के लिए हमें अपना एक मुहिम, हमारा एक कैंपेन चलाना है। और पहली बात तो मीडिया को बायकॉट करना पड़ेगा जो इतना ज्यादा आप लोग को भ्रम में रख रही है, मतलब कि ये सोचते हैं कि यार लड़के घर पे बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे, चलो इसी में भड़का देते हैं, ठीक है, दिन भर देखते रहो, खुद सीबीआई बन गया है, मतलब अगर केस सीबीआई को ना देके इनको दे दिया जाए तो चार दिन के अंदर ये सॉल्व करके रख देंगे, मतलब हिम्मत है ऐसी, तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। ये हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि ये है या ये है, ये वही करते हैं जो इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जिनमें इनको मजा आती है, जिनमें इनको पैसा मिलता है, ये पैसे की बात करेंगे, है ना, जहां पर इनको पैसा मिलेगा वो वहीं पे काम करेंगे। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा ना कि हमें पैसे के लिए नहीं, हमें सच्चाई दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अब तो बात वही हो गई कि अब हमारे पास मीडिया की कोई वैल्यू नहीं, अब मीडिया की अब जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात मीडिया की हमें जरूरत ही नहीं है, हम सब एक होकर यहां पर एक साथ आवाज उठाएंगे ना सोशल मीडिया पे, पूरा सोशल मीडिया, ट्विटर से यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम से लेके हर एक जगह, गवर्नमेंट की जहां जहां भी आप लोग को ऑफिशियल साइट दिख रही है, ऑफिशियल चैनल दिख रहा है, ऑफिशियल आपको जो भी उनका अकाउंट दिख रहा है, वहां पर जाके कमेंट्स करो, डिसलाइक्स करो, और जो भी कर सकते हो उनको दिखा दो कि हाँ युवा गुस्से में है, उनको जवाब चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, एक दिन दो दिन सब लोग ये सोचेंगे ना कि चलो अभी दो दिन के लिए नाम उठा हुआ है, अभी ठंडे हो जाएंगे, ठंडा नहीं होना है। आप लोगों ने सड़क टू को आप लोगों ने देखा होगा कि उसका जो ट्रेलर आया था कितने करोड़ों डिसलाइक्स आ गए थे। यही काम करना है, पिघलना नहीं है, जमे रहना है, जाता क्या एक डिसलाइक ही तो करनी है, सरकार का विरोध करना है हमें, जब तक हमें नौकरियां नहीं मिल जाती, हमें जवाब नहीं मिलता, या आप लोग इस पर मेंशन नहीं करते हैं कि हमारा क्या होगा, या कुछ भी कहो कि मतलब कि कहां से पैसे आते हैं, आप ये सोचो, है ना, कि अगर एक बच्चा नॉर्मली फॉर्म भरने जाता है तो 1500 रुपए आप उससे निकालते हो कि यार चलो 500-600, मैं कुछ भी ना करूं, मैं सीधे बात करूं सीटेट और अगर मैं यूपी टेट की बात करूं या जितने भी टेट एग्जाम्स हैं उनकी बात करूं, वहां के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने करा लिया, अब आप लोग आके कहते हो कि सीईटी का लेके आएंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और कहते हैं 6-6 महीने पे हम सर्टिफिकेट देंगे। एक बात बताना, टेट की आप लोगों ने टेट क्वालिफाई किया, सीटेट क्वालिफाई किया, कितनी शिक्षक भर्तियां आ गई,
उसी तरीके से सीईटी क्वालिफाई कर लेंगे तो कितनी भर्तियां आ जाएंगी, इसकी क्या गारंटी है? एक हम कह देंगे हम लोग इलिजिबल हैं, जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था हम लोग इलिजिबल हो गए थे, लेकिन नौकरी आएगी तब तो हम लोग अपनी अपनी योग्यता वहां पर दिखाएंगे, है ना। फिर लास्ट में यहाँ पर स्टेटमेंट्स कुछ नेताओं के आ जाएंगे कि हमारे यहाँ पर हम तो नौकरियां देने के लिए तैयार हैं, हमें यहाँ पर योग्य लड़के ही नहीं मिल रहे, हमारे योग्य स्टूडेंट्स ही नहीं मिल रहे। यार योग्यता साबित करनी है, ले लो ना टेस्ट, बैठे तो हुए हम लोग, बैठे हुए ना मैं टेस्ट देने के लिए, तैयारी करा रहे हैं यहाँ पे इतने, मतलब मैं देखता हूँ कि मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, एमसीक्यू टेस्ट कराता हूँ, जो भर भर के एकदम राइट आंसर्स, एकदम राइट आंसर्स आते हैं आप लोगों के, मतलब क्या है कि काबिलियत नहीं है, पूरी काबिलियत है, लेकिन मौका तो दो, मौका तो मिलना चाहिए हम लोग को। तो बात यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, उन सभी को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आप सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। शेयर करो चाहे ना करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लाइक करना है नहीं लाइक करना है इस वीडियो को आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा क्या है, मैं तो यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूं ना आप लोग के लिए, मैं आज पढ़ा रहा हूं, कल भी पढ़ाऊंगा, परसों भी पढ़ाऊंगा, मेरा चैनल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि यहां पर हम सब एक हो रहे हैं, ऐसा मौका जल्दी नहीं आता है, यह भी ध्यान रखना। हर कोई एक साथ जब आवाज उठा रहा है तो आप सबको भी इसके साथ लगना पड़ेगा, एकदम पूरी तरीके से बाइकआउट करना पड़ेगा पहली बात मीडिया को, और सरकार के झूठे वादों को हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें उसका एनालाइज करना है, पक्ष विपक्ष देखना है पूरी तरीके से, ना हम लोग एकदम तरीके से विपक्ष में जाएंगे ना ही पक्ष में जाएंगे, प्यार से चीजों को तोलेंगे, समझेंगे कि अगर हाँ ये सही है तो हम इनके साथ हैं, अगर गलत है तो साथ नहीं है। और दूसरी बात यही है कि यार 10 साल की आप लोग की सरकार बन गई पूरी तरीके से, लेकिन आपने ये बताओ कि हम लोगों के लिए किया क्या है, बेरोजगारों को किया क्या है, ये बताओ। ठीक है, पेपर्स पे दिखा देंगे कि इतनी नौकरियां मिली, इतनी नौकरी मिली, रियलिटी में क्या है आप लोग खुद देख रहे हो, है ना, अपने आसपास का समाज देख लो। अब तो सरकारी नौकरी दूर की बात है, प्राइवेट नौकरी सारी चली गई है ना, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि प्राइवेट नौकरियां नहीं है, आप सब बेरोजगार बैठो, आपके माता पिता हो सकता हो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, यार इतनी बुरी सिचुएशन है इस समय, है ना, इतनी बुरी सिचुएशन है, कैसे मैनेज होगा, इसका जवाब कौन देगा, सरकार को देना पड़ेगा ना जवाब इसका। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग जवाब चाह रहे हैं कि आप इसका कुछ तो रिस्पॉन्स करो, आप लोग इसको मेंशन करना पड़ेगा, अपने कमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। आप लोग जब भी कभी वीडियो डालते हो, कुछ भी करते हो, कॉन्फ्रेंस करते हो, तो वहां पर आपको मेंशन करेगा करना पड़ेगा, मीडिया कुछ भी करती है, मीडिया को भी यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। यार उनको टीआरपी से मतलब है कि यार यहां पर स्टूडेंट्स की कौन सुनता है, स्टूडेंट्स क्या है, उनको टीआरपी स्टूडेंट से थोड़ी मिलने वाली है, स्टूडेंट थोड़ी देखता है टीवी, वो तो पढ़ाई करेगा, किताबें देखेगा, तो क्यों स्टूडेंट का दिखाएं, बात वही है। तो बहुत सारी चीजें बातें करने की, आज मैं पहली बार इतना ज्यादा बोला हूं आप लोगों के सामने, मेरी बात कुछ भी बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा पूरी तरीके से, लेकिन अब समय आ गया है, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, यहां पर हमें सरकार को जवाब, हमें हमें सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा किसी भी तरीके से, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ये मान लो। पहली बार हम लोग यहाँ पे एक हुए हैं, सारे यूट्यूबर्स, सारे एजुकेटर, सारे टीचर्स एक हुए हैं, सारे यूट्यूब चैनल्स एक हुए हैं, बहुत बड़ी जनता होती है, आप भी जानते हो कि यूट्यूब पे बहुत बड़ी जनता होती है, बहुत बड़ा चैनल्स होते हैं, सारे चैनल्स एक हो जाएंगे ना, ऐसा मौका हर बार नहीं आता है, तो सही मौका है, फायदा उठा लो इसका, बस यही कहूंगा। और शेयर कर दो जितने भी चैनल्स हैं सबके, जो भी इस टॉपिक पे वीडियो बना, शेयर करिए दबा दबा के, सभी दोस्तों को दिखाइए, उनको बताइए कि ये सिचुएशंस हैं, इन सभी चीजों पर हमें सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा, बस यही बात कहूंगा। और बाकी आप लोग की अपनी मर्जी, आप लोग सोचिए, मैं बस पॉइंटर्स रख सकता हूं आपसे, हमें थोड़ी सी बात कह सकता हूं, आप लोग इस पर विचार करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।